वज़ीर-ए-आला केपी अली अमीन गंडापुर कहती हैं कि सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो हम फिर निकलेंगे, इस बार ज़्यादा ताकत के साथ मैदान में आएंगे और आखिर तक खड़े रहेंगे। हम अपना सर तोड़ेंगे या गुरूर के पहाड़ तोड़ेंगे। कौम तैयारी करे, करो या मरो वाला वक्त है। हमें पता चल गया कि कौन ज़मीर फरोश और कौन हमारे साथ खड़ा है। जो समझते हैं कि हर वक्त यही माहौल रहेगा, ये इनकी भूल है। जो कहते थे कि बेटियाँ सांझी होती हैं, वो बानी पीटीआई की बहनों पर एक लफ्ज़ तक नहीं बोले। वो सूबाई असेंबली में अराकीन से खिताब कर रहे थे। एक जो इकदाम हुआ है और जिसके ऊपर पर कल बल्कि आज सुबह कहूँ या रात कहूँ समझ नहीं आ रही, डकैती हमेशा रात में होती है, तो ये डकैती जो है की गई है और उस पर जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है, आज़ाद अदलिया का जो लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ कि आज एक स्याह दिन है उस हवाले से कि वो आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। तो जब अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो आवाम इंसाफ के लिए किस तरफ देखेगी? लोगों का पैसा लूट कर अपने ही मर्जी के बंदे बिठा के वही फैसला करते हैं कि पैसा लूटा गया या नहीं लूटा गया। आप नैब को देख लें, नैब ने क्या किया आज तक? नैब ने कुछ भी नहीं किया, नैब ने सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है। तो जब आप मर्जी के बंदे आप बिठाएंगे और मर्जी के बंदों से आप फैसले कराएंगे, मर्जी के बंदों को आप इख्तियार देंगे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।